हेलो दोस्तों, स्वागत है प्लांट रिसर्च 9454 में आपका। आज हम आपको बताएंगे कि कमल के बीज से कमल के पौधे को कैसे उगाया जाए और उसको किस तरह की मिट्टी में और किस कैसा टब में उसको रखा जाए कि ताकि उसमें फ्लावरिंग आए, वो ग्रोथ करे। तो चलिए हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू। तो चलिए आपको बताते हैं हम। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हमारे पास कुछ कमल के बीज हैं। ये कहीं भी श्रृंगार प्रसादन या किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएंगे आराम से। और अगर आपको बीज चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बीज मंगवा सकते हैं। सो दोस्त देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखाने जाऊंगा। यहाँ पे एक होल है, इस होल के पोर्शन को नहीं रगड़ना हमें। यहाँ पे एक मतलब डाल जैसे निकला है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही ये सॉफ्ट पोर्शन है, बहुत हार्ड पोर्शन है। तो इस पे हमें ऐसे करके फर्श पे या किसी भी चीज़ पे जैसे रगड़ देना है, देख सकते हैं। अब रगड़ने के बाद देख सकते हैं, अब रगड़ने के बाद यहाँ पे जब तक वाइट ना आए तब तक दोस्तों आप इसको मतलब रगड़ते ही रहिए। और अगर आपको ये होल वाला पोर्शन और ये हार्ड पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बीच से भी रगड़ सकते हैं। ऐसे करके आप बीच से भी इसकी सतह को कर मतलब हटा सकते हैं। सो दोस्तों, ये इस मेथड से हमारा बीज जो है जल्दी ग्रोथ करते हैं। अभी तो मैंने इसी को सिर्फ रगड़ के दिखा रहा हूँ आपको, और बाकी दो बीज मैंने वैसे डाला है। देखते हैं कि कौन सबसे जल्दी ग्रोथ करते हैं दोस्तों। कि जो रगड़ने वाला बीज होता है वो 2 से 3 दिन लेता है ग्रोथ करने में, और ये जो बिना रगड़ा है मतलब जो एकदम हार्ड पोर्शन वाला बीज रहता है वो 1 से 15 दिन से 30 दिन ले सकता है ग्रोथ करने में। तो चलिए हम इसको अपने पॉट में मतलब एक मग है छोटा सा, पहले उसमें ही डालते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें हमारे बीज जो है देख सकते हैं जर्मिनेट हो गए हैं। ये जो हमने रगड़ा था बीज वो जल्दी जर्मिनेट हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम इसको बड़े उसमें डालेंगे, बड़े बॉटल में डालेंगे, इस तरह की बॉटल में हम इसको डालेंगे। और हमें टप में तब तक नहीं डालना है जब तक यहाँ से आपके रूट्स ना निकलें दोस्तों, देख सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम इसके डाल देंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये 30 दिन का रिजल्ट है। यहाँ पे हमारी पत्तियाँ भी निकलनी शुरू हो गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। मैं बीज इसको निकाल के दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये बीज को तोड़ के यहाँ से जड़ धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों ये जड़ में जब स्टार्च बनेगा आपके, तब हम इसको टब के नीचे वाली सतह मिट्टी में रखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब बताएंगे आपको कि इसको जब स्टार्च इसमें बन जाएगा, अभी मेरे पौधे में स्टार्च नहीं बना है, जब स्टार्च इसमें बन जाएगा तो इसको टब में कैसे रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।